सब्सक्राइब कीजिए टीचर एजुकेशन चैनल को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को एजुकेशन संबंधित वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से बिजी होने के कारण मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था और अभी कुछ दिन और थोड़ा सा बिजी रहने वाला हूँ। लेकिन आप लोगों को चूंकि डिमांड थी कि हम लोगों को सोल्व आंसर दिया जाए 513 यानी जो WBA सेकंड ईयर का है उसका सोल्व आंसर आप लोगों को चाहिए था। हालांकि मैंने इंग्लिश के सोल्व आंसर आप लोगों को पहले बता दिए हैं, लेकिन हिंदी की डिमांड थी इसलिए आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए 513.1 जो कि सबसे पहला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ मैपिंग का, उसका सोल्व आंसर लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। एक बात आप सभी लोगों को बता दूं कि अभी तक जितने लोगों ने कंसेप्ट ऑफ मैपिंग को बनाया है उसमें से 70% लोगों के आंसर जो है वो गलत है। कहाँ पे आप लोगों ने गलती की है और इसका सही आंसर क्या होना चाहिए था, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। चलिए बिना देर किए हम लोग इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सेकंड ईयर के जो WBA हैं यानी कि वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी, इसका कोड है 513। इसमें हम लोगों को टोटल 6 टॉपिक बनाने हैं जो आप लोगों को पहले ही बताया गया है। सबसे पहला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ मैपिंग का, जिसको हम लोग हिंदी में अवधारणा मानचित्रण के नाम से भी जानते हैं। इसमें है कि भाषा, गणित, पर्यावरण, अध्ययन, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में से किन्हीं दो विषयों पर मानचित्र अवधारणा तैयार करना है। किन्हीं दो विषयों पर, ये 4 विषय दिए गए हैं, इनमें से किन्हीं भी दो विषय का मानचित्र अवधारणा तैयार करना है यानी कि कंसेप्ट ऑफ मैपिंग। दो बनाने हैं, एक के लिए 8 अंक है, दो के लिए 16 अंक है। ये टोटल एक टॉपिक जो है वो 16 अंक का है। लेकिन हुआ क्या है दोस्तों कि मार्केट में इस तरह के बहुत सारे सोल्व आंसर बेचे जा रहे हैं और उसी की वजह से मैक्सिमम लोगों के जो है वो गलत हो चुके हैं। शायद एक दो कंपनी के ऐसे सोल्व आंसर आए हैं जो सही है, बाकी मैक्सिमम में क्या हुआ दोस्तों कि सारे लोगों ने यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ मैपिंग को नहीं लिख करके बल्कि दो लेसन प्लान तैयार कर दिए हैं। दो सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना दिया गया है जो कि पूरा गलत है। कंसेप्ट ऑफ मैपिंग में हमें कोई भी लेसन प्लान नहीं बनाने हैं बल्कि इसका एक अलग मेथड है और अलग तरीके से इसका सोल्व आंसर बनाना है। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि आप मार्केट में मिलने वाले जो आंसर हैं उससे बचे। आप किसी A4 साइज के लाइन वाले पेज पर या फिर बिना लाइन वाले पेज पर आप जो मर्जी जिस पे चाहे लिख सकते हैं, A4 साइज का होना चाहिए, उस पर आप सोल्व आंसर लिखें अपने खुद की हैंड राइटिंग में, वो ज़्यादा बेटर है और मार्केट में मिलने वाले आंसर से बचें। इसको आप चाहे तो इस पेज पे जो मैंने आप लोगों के लिए बना करके दिए हैं, ये है इसका फ्रंट पेज भी 513 WBA का 513, ये सबसे फ्रंट पेज है। उसके बाद इसका कवर पेज आता है 513.1 का यानी कि कंसेप्ट ऑफ मैपिंग का, ये कवर पेज है। उसमें आपको क्या क्या चीज़ें बनाने हैं उसका सारा टॉपिक यहाँ पर लिखना है। अवधारणा मानचित्रण, उसके बाद यहाँ पर अवधारणा मानचित्रण का उपयोग, यहाँ है अवधारणा मानचित्रण का महत्व और यहाँ पर है अवधारणा मानचित्रण पर्यावरण। ये यानी कि पर्यावरण यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे पर्यावरण सब्जेक्ट का बनाया गया है, बनाया जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे पर्यावरण काट के आप जिस भी विषय का बनाना चाहते हैं आप उस विषय का बना सकते हैं। तो दो सब्जेक्ट का यहाँ पे बना सकते हैं, ये विज्ञान के लिए है, ये सामाजिक विज्ञान के लिए है, ये गणित के लिए है। तो ये पूरा जो है इसका आंसर शीट है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन से फ्री में। इसके लिए कोई भी आपको कॉस्ट नहीं लगेंगे, ये बिल्कुल फ्री है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसे डाउनलोड ना करें, इस पर इसका प्रिंट निकाले बगैर ही आप आंसर लिखें, तो आप इसी तरह के किसी भी A4 साइज के पेपर पे आंसर लिख सकते हैं। अब आंसर आप लोगों को क्या लिखना है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक आंसर भी लेकर के आया हूँ। ये है इसका आंसर, किसी भी दो विषयों भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में अवधारणा मानचित्रण, ये इसका सही आंसर है दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे आंसर मैंने देखे जिसमें लोगों ने सिर्फ लेसन प्लान बना दिया है, किसी भी दो सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना देना वो कंसेप्ट ऑफ मैपिंग नहीं है बल्कि वो सीधा सीधा लेसन प्लान है। हम लोगों को इसमें कोई लेसन प्लान नहीं बनाने हैं, लेसन प्लान PT यानी कि प्रैक्टिस टीचिंग में बनाने हैं जो 514 कोड दिया गया है। यहाँ पर हमें लेसन प्लान नहीं बनाने हैं बल्कि इसमें क्या करना है, तो अवधारणा मानचित्रण के बारे में कुछ लिखना है कि वो क्या चीज़ है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि अवधारणा मानचित्र लेखा चित्र द्वारा ज्ञान को प्रस्तुत करने की तकनीक है जो विचारों के संगठन और अवधारणाओं के बीच संबंध स्थापित करती है। इस तरीके से इसके बारे में कुछ डिफिनेशन देना है, उसके बाद ये एक मानचित्र बनाना है, इसका एग्जाम्पल है, नीचे में लिखना है क्या क्या इसके रूप हैं, संगठनात्मक प्रारूप हैं, उसके बाद कार्यशाला, ये नहीं लिखना दोस्तों, ये हेडिंग छोड़ देना है, कार्यशाला आधारित गतिविधियाँ यहाँ से है। अवधारणा मानचित्रण के उद्देश्य, यहाँ पर ये उद्देश्य लिखे गए हैं। अवधारणा मानचित्रण का महत्व जो आप लोगों को अलग अलग टॉपिक पे यहाँ पे बना करके दिखाया गया है, ये देखिए मानचित्रण का उपयोग, अवधारणा मानचित्रण,
यहाँ पे सब हेडिंग दिया हुआ दोस्तों, आपको सिर्फ इस आंसर से देख करके लिख लेना है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा आंसर लिखा गया था, इसको बहुत शॉर्ट किया गया है, कुछ वर्ड को कुछ सेंटेंस को हटा करके इसे कटिंग कर करके आपके लिए शॉर्ट आंसर तैयार किया गया है। आप ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। अवधारणा मानचित्रण तैयार करने में क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है, कैसे लिखते हैं, और यहाँ से दो है आपको बताया गया है, एक भाषा के लिए है यहाँ पे जो हिंदी का बताया गया आपको, और यहाँ पे ये पूरा आपको बना लेना है इस तरीके का डायग्राम। और इसके बाद यहाँ से दूसरा कंसेप्ट मैपिंग है, इसमें दो कंसेप्ट मैपिंग आपको बनाया गया है, बस यही आंसर आपको कंसेप्ट ऑफ मैपिंग में लिखना है। और ये भी आप बिल्कुल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, इसका भी लिंक आपको नीचे दिया गया है। ये 513.1 कंप्लीट हो जाएगा, इसके लिए आपको 16 अंक मिलेंगे। जिन लोगों ने लेसन प्लान बना लिया है वो उसे चेंज कर दें, क्योंकि यहाँ पे हमें लेसन प्लान नहीं बनाना है बल्कि कंसेप्ट ऑफ मैपिंग बनाना था, जो ये पूरा आंसर आप लोगों को दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन भी दिया जा रहा है, क्वेश्चन नहीं बल्कि आंसर शीट है, ये आंसर शीट डाउनलोड कर लें और इसी पे सारा आंसर यहाँ से देख करके आप लिख सकते हैं। आप चाहे तो आंसर शीट खुद का भी लगा सकते हैं, A4 साइज के पेपर पे मार्केट में मिलने वाले किसी भी पेज पर लिख सकते हैं। और इसके लिए आपको 8-8 अंक दिए जाएंगे, दो कंसेप्ट ऑफ मैपिंग बनाने हैं 16 अंक के लिए। तो ये कंसेप्ट ऑफ मैपिंग का पूरा क्लियर हो गया 513.1। नेक्स्ट वीडियो में आपको 513.2 का सोल्व आंसर दे दूंगा। जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करें और इसे लिखना शुरू करें। थोड़ी वीडियो लेट हो गई है क्योंकि मैं कुछ काम में बिजी था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दें, और आगे की वीडियो यानी 513.2, 3, 4, 5, 6 जो है वो चाहिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमें जल्द से जल्द प्रोवाइड करें। इसका आंसर मैं आप लोगों को बना करके दे दूंगा। अगर आपने लिख लिया है तो कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं लिखा है वो इसका आंसर आप डिमांड कर सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।